जिंदाबाद। आप लोग जा रहे हैं प्रो राइडर के घर। प्रो राइडर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है राजेश आई और आप देख रहे हैं हामी तीन भाई। तो गाइस यार, ये जो व्लॉग होने वाला है ये मेरे चैनल का कोई नॉर्मल व्लॉग नहीं होगा यार। ये एक ट्रिब्यूट होने वाला है प्रो राइडर 1000 के लिए। जैसे कि आपको पता होगा यार, प्रो राइडर 1000 अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है यार एक बाइक एक्सीडेंट में। जैसे कि आपको पता है यार, वो देहरादून के थे और वो हमारे मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी के ही थे यार। तो आज देहरादून में एक छोटी सी राइड रखी है कावासाकी के शोरूम से भैया के घर तक ले, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए यार, उनकी फैमिली को सपोर्ट दिखाने के लिए कि हम आपके साथ में हैं। सो गाइस यार, मैं प्रो राइडर 1000 को कोई पर्सनली नहीं जानता था, ना मैं कभी उनसे मिला था। गाइस यार, अभी तक मैंने अपने चैनल में कोई भी वीडियो नहीं बनाई है प्रो राइडर को लेके। जैसे कि आपने यार यूट्यूब में देखा होगा कि कितनी वीडियो बनी यार। यार मैं ना इस वीडियो में इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता यार। जो भी मेरे थॉट्स है, जो भी मतलब कुछ है यार, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं नॉर्मली रखना चाहता हूँ यार। तो गाइस ये वीडियो उनके लिए ट्रिब्यूट है और ट्रिब्यूट ही रही कि यार मैं इस ब्लॉग में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता किसी के बारे में भी। सीधे पहुँचते हैं शोरूम और वहीं तक देखते हैं क्या सीन है। तो गाइस यार, तुम देख सकते हो ठीक है, लोग तो आ ही रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं लोग नहीं हैं बट ठीक ठाक लोग आ रहे हैं। तो यार सबके सब ट्रिब्यूट देने के लिए आए यार। तो गाइस यार, जिनने ये राइड ऑर्गेनाइज़ करी थी यार, ड्राइवर भैया, वो आ चुके हैं। तो यार ये भैया के थोड़े ख़ास दोस्त थे यार, ये भी भैया के दोस्त थे यार, ये R1 वाले, ये भी भैया के ख़ास दोस्त थे, उनके साथ देहरादून में राइड वगैरह करते थे। तो गाइस तुम देख सकते हो यार, भीड़ तो अच्छी खासी आ रही है यार। सो गाइस यार, देखते हैं कि राइड कब स्टार्ट होती है। छोटी सी राइड होने वाली है यार, 7-8 किलोमीटर की। यहाँ शोरूम से जाएंगे प्रो राइडर भैया के घर तक। तो गाइस अंकल के लिए मानना पड़ेगा यार, अंकल को यार, अंकल ने अपना इकलौता बेटा खोया है और उसके बाद भी यार अंकल देखो यार, इतना जब से उनके बेटे की डेथ हुई है तब से अंकल लगी रहे यार, कुछ ना कुछ काम पर लगी रहे भयंकर। और ऊपर से अंकल ने YouTube में बताया भी है कि यार अंकल कंटिन्यू करेगा भैया का चैनल। अंकल ने बोला है अंकल सारी वीडियोस बनाएंगे जैसे भैया बनाते थे, राइड वगैरह की रिएक्शन सब करेंगे। प्रो राइडर, प्रो राइडर, प्रो राइडर। तो गाइस यार आप देख सकते हो, बस सारे राइडर्स निकल रहे हैं यार, सब अपनी गाड़ी गुड़ी निकाल रहे हैं। गाइस 3000 यार, ये चेक करें यार। फुल यार ट्रैफिक जाम हो चुका है, सीधे लोगों ने जाम लगा दिया है भयंकर। अब निकल रहे हैं सारे भैया लोग, निकल रहे हैं भैया लोग, गाइस निकल गए, सब निकल गए हैं। देखो यार सारे बाइकर्स निकल गए हैं, अब सब लोग जा रहे हैं प्रो राइडर के घर। देखो यार सारे राइडर्स निकल चुके हैं, ये चेक करिए आप। देखो यार सब निकल गए हैं, सारे के सारे राइडर, सब लोग प्रो राइडर के यार, चेक कर सकते हो यार आप। चेक कर सकते हो यार आप। सो गाइस यार, आपने देख ही लोगा सारे बंदे निकल चुके हैं, अब मैं भी निकल गया हूँ और सब लोग जा रहे हैं यार प्रो राइडर 1000 के घर। For someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? तो यार पहली बार इतने सारे राइडर एक साथ राइड करते हुए यार मैंने देखे हैं अपनी आंखों के सामने। भैया टी शर्ट एक नंबर, डीमन स्लेयर। देखो यार तुम, ये देखो तुम भयंकर, ये देखो सारे राइडर सब के सब, ये देखो पकांडी भाई, चेक करिए गाइस आप, चेक करिए, ये देखिए गाइस यार क्या भीड़ है भाई, भाई चेक करो यार तुम, चेक करो तुम, ये भीड़ किसके लिए, प्रो राइडर के लिए।
सारे राइडर्स पहुंच गए यार। आप लोगों ने आज ये जो रैली निकाली है इसको याद करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं बहुत खुश होगा कि उसके चाहने वाले भी बहुत हैं। मामा रोना नहीं है, हम साथ हैं अंकल, सब साथ हैं अंकल। आप लोग बहुत आगे हैं, आप हिम्मत रखो, अभी आपके बच्चे अंकल, हम भी आगे अच्छे हैं। ये खुशी के आंसू है वो देखता है इतनी भीड़, उसको यही चाहिए थी भीड़, लेकिन कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम।
360 रिकवर हो चुका है। तो गाइस यार निकल गए हम भैया के घर से। गाइस यार सच बता रहा आपको यार, आंटी को रोते हुए देख के ना और अंकल को रोते हुए देख के भाई दिल टूट सा गया यार। जितना अंकल अपने आप को संभाल सकते यार, अंकल अपने आप को संभाल रहे हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। तो यार बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में।